हेलो एवरीवन, आई एट एंड ट्रेडर फैमिली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो के अंदर हम आज देखेंगे कि अडानी जी को किन किन कंपनियों ने, किन किन बैंक्स ने कितना तक कर्ज दे रखा है, और अगर वो कर्ज के दे रखा है वो अगर एनपीए हो जाता है या प्रोविजनिंग करते हैं तो उन कंपनियों के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है और क्या उनके अंदर आपको ध्यान रखना है। तो ऐसे ही बेहतरीन जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन आपके पास तुरंत पहुंच सके। तो चलते हैं यहाँ पे कि किस किस बैंक ने कितना कर्ज दे रखा है, कौन सी कंपनी का एक्सपोजर कितना है। आरबीआई ने भी सभी बैंकों से एक्सपोजर का ब्यौरा मांगा है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो सबसे ज़्यादा की बात करें बैंकों में, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 27,000 करोड़ रुपये का जो एक्सपोजर है वो या ऋण दे रखा है अडानी ग्रुप को। बैंक ऑफ बड़ौदा दूसरे नंबर पे आ रहा है और पीएनबी भी दूसरे नंबर पे ही है। 7,000 करोड़ बैंक ऑफ बड़ौदा और 7,000 करोड़ ही पीएनबी बैंक ने कर्ज दे रखा है। एक्सिस बैंक ने 3,500 करोड़ रुपए करीबन जो कर्ज दे रखा है। एलआईसी की बात करें तो एलआईसी का टोटल एक्सपोजर है वो लगभग लगभग 36,475 करोड़ के करीबन है। इसमें से 6,000 करोड़ तो उन्होंने कर्ज के रूप में दे रखा है और फिर बाकी का जो बचा हुआ 30,000 करोड़ के करीबन है वो एलआईसी ने इनके जो ग्रुप हैं उनके अंदर इन्वेस्ट कर रखा है। तो एक तरीके से वो भी इनका इन्वेस्टमेंट ही मान लीजिए पूरा। तो टोटल जो कर्ज है वो अडानी जी के ऊपर वो लगभग लगभग तो 2,21,609 करोड़ के करीबन है। तो इंडिया के अंदर जो इनको टोटल एक्सपोजर या कर्ज दे रखा है वो 80,000 या 81,000 के करोड़ के करीबन है यहाँ पे आ रहा है। और जो और ज़्यादा जो कर्ज बकाया है वो इंटरनेशनल डेब्ट के अंदर भी आता है। अब वो इंटरनेशनल के अंदर आप देखोगे तो ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट आई थी अभी एक दिन पहले ही, तो डीबीएस ग्रुप है उसने इनको 1.3 बिलियन डॉलर का कर्ज दे रखा है। उसको आप कैलकुलेट करोगे तो लगभग 10,660 करोड़ का कर्ज दे रखा है। और ये कर्ज है सिंगापुर के अंदर हेलसिम, जो उन्होंने एक सीमेंट की कंपनी थी उसको खरीदा था अडानी जी ने, तो उसको खरीदने के लिए, उसको एक्वायर करने के लिए डीबीएस ग्रुप ने उनको कर्ज दिया था। ऐसे ही इंटरनेशनल कई जो फंड हैं या बैंक हैं उन्होंने इनको कर्ज दे रखा है। तो कर्ज तो काफ़ी ज़्यादा है। अगर अब इसका फ़र्क देखिए क्या पड़ता है, अगर मान लीजिए कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है कि अडानी जी की कंपनियां थोड़ा सा रिकवर नहीं कर पाती हैं या फिर एनपीए हो जाती हैं या इनसोल्वेसी के अंदर आ जाती हैं, तो फिर इनके ऊपर जो ये आप देख रहे हो अपने इंडिया के अंदर, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, एक्सिस बैंक और एलआईसी है, इनके शेयर्स के अंदर काफ़ी नीचे की भूचाल आ सकता है, यानी ये भी नीचे सर्किट लगा सकते हैं। क्योंकि इतना अमाउंट, ये छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता, काफ़ी ज़्यादा बड़ा अमाउंट होता है अगर ये जो कर्ज है दे रखा है अडानी जी को, ये अगर इनका कर्ज पेमेंट नहीं होता है तो आप इन शेयर्स के अंदर अगर आपके पास शेयर्स हैं तो काफ़ी ज़्यादा ध्यान रख लीजिए। और कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं कि आपके पास अडानी ग्रुप का कौन सा शेयर है और इन शेयर्स में जो बैंक है मैंने बताए उनका कौन सा शेयर्स है, तो हमें भी पता लगेगा कि आपके पास कौन कौन से शेयर्स हैं और आप अपना क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, तो उसके बारे में मैं आपको जवाब भी दूंगा। तो ऐसी ही बेहतरीन जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।